तो आज इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखने जा रहा है एफसी गोवा। एफसी गोवा एक लौता टीम है इंडिया से, जो पहली दफ़ा एएफसी चैंपियन लीग के ग्रुप स्टेज में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आज एफसी गोवा एएफसी चैंपियन लीग के ग्रुप स्टेज में खेलने जा रहा है आल रायन के खिलाफ, जो कि कतर का टीम है। आल रायन के बारे में पूरा चिट्ठा मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में, आपको अगर पता नहीं है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो नो योर ओपोनेंट का पहला वीडियो था वो, उसको चेकआउट जरूर कर लीजिए, तो आपको आल रायन के बारे में पूरी तरीके से सब कुछ पता चल जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग प्रीव्यू करने जा रहे हैं इसी मैच का, एफसी गोवा वर्सेस आल रायन, और फुल एकदम डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। तो सबसे पहले इस मैच का डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं, लाइव टेलीकास्ट कहां पर किस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो देखिए एफसी गोवा वर्सेस आल रायन मैच भाई स्टार्ट होने वाला है आज 14 अप्रैल रात 10:30 बजे। टाइम नोट कर लीजिए, रात 10:30 बजे 10:30 पर मैच स्टार्ट होगा, ऑफिशियल अपडेट है। और कहां पर आप लोग देख सकते हो, तो टीवी में आप अगर देखना चाहते हो तो आपको स्टार स्पोर्ट्स 3 पर देखना पड़ेगा, स्टार स्पोर्ट्स 3 पर लाइव टेलीकास्ट होगा। ऑनलाइन आप अगर देखना चाहते हो तो आपको जियो टीवी पर मिल जाएगा, और साथ साथ डिज्नी हॉटस्टार VIP पर आपको देखने को मिलेगा रात 10:30 बजे एफसी गोवा वर्सेस आल रायन FC। अब चले हम बात कर लेते हैं टीम अपडेट के बारे में, दोनों टीमों का हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो भाई एफसी गोवा की अगर पहले बात किया जाए तो एफसी गोवा 2019-20 सीज़न में टॉप किया था, उसके ही चलते इस दफ़ा उनको एफसी चैंपियन लीग के ग्रुप स्टेज में खेलने का मौका मिला है। लेकिन 2019-20 सीज़न से भाई अब पूरी तरीके से बदल चुका है एफसी गोवा, क्योंकि उनका जो पुराना हेड कोच था सर्जियो लिबेरा वो मुंबई सिटी एफसी में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि 2019-20 सीज़न में उनको सैक्ट कर दिया गया था एफसी गोवा के मैनेजमेंट द्वारा। और उसके साथ साथ अब सर्जियो लिबेरा मुंबई सिटी एफसी में हुगो मटुडाफॉल अहमद जाओ अमेर रनावाडे मंदार ऑफ देसाई इन सभी खिलाड़ी को ले गया है अपने साथ। तो एफसी गोवा जिस टीम के साथ टॉप किया था 2019-20 सीजन में, वो वाला टीम उनके पास अभी नहीं है, एक नया टीम आपको दिखाई दे रहा है 2021 सीजन में। और 2021 सीजन में बहुत ही अच्छा खेला है नया हेड कोच जुआन फंडो के अंडर, और उसके साथ साथ प्लेऑफ तक भी भाई वो कंप्लीट किया था, लेकिन प्लेऑफ से वो फाइनल तक नहीं जा पाया। इनके पास अभी मौजूद है जॉर्ज ओर्टिज, अल्बर्ट नगोरा, इवान गोंजाले, जेम्स डोनाजी जैसा विदेशी खिलाड़ी, जो कि अच्छा किया था इस सीज़न में परफॉर्मेंस। लेकिन इनका मेन स्ट्राइकर जिसने भाई इस बार ISL का गोल्डन बूट का खिताब जीता है इगोर आंगुलो, उनको ही नहीं लिया है। तो भाई देखिए इगोर आंगुलो ने बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस किया था 2020-21 सीज़न में, लेकिन फिर भी उनको नहीं सिलेक्ट किया गया है, ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है जनक चीज़ है एफसी गोवा के मैनेजमेंट द्वारा, उनके हेड कोच के द्वारा। भाई अभी तक मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं चल रहा है। और एफसी गोवा का टोटल जो स्क्वाड है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जिसमें सिर्फ आपको पुराना विदेशी खिलाड़ी एडू बिदिया ही नज़र आएगा, जो कि जब टॉप किया था ISL में एफसी गोवा उस टीम में मौजूद था। और इसके अलावा बाकी विदेशी खिलाड़ी सब नया आया है, बहुत सारे इंडियन खिलाड़ी भी भाई इनके पास मौजूद है जो कि नया है। और यहाँ पर भाई नज़र चुराने वाला है सबीर गमा, ग्लेन मार्टिन, उसके बाद ईशान पंडिता जैसा खिलाड़ी। ईशान पंडिता के ऊपर भाई बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहेगा, उनको गोल लगाना ही पड़ेगा, एकमात्र स्ट्राइकर जो कि अभी कैपेबल है एफसी गोवा में गोल लगाने के लिए। और अब चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आल रायन FC के बारे में। तो आल रायन बहुत स्ट्रांग सीजन खेलकर आ रहा है AFC चैंपियन लीग में। 2019-20 सीजन में वो सेकंड पोजीशन पर ख़त्म किया था लीग के टेबल पर, तो उसके ही चलते उनको मौका मिला है इस बार ग्रुप स्टेज में डायरेक्ट एंट्री लेने के लिए। और उस सीज़न में वो चैंपियन भी बन सकता था, लेकिन भाई सिर्फ एक पॉइंट के चलते आल रायन टॉप पोजीशन पर पहुंचा नहीं था। 52 पॉइंट था भाई दुलाई के पास, और उसके बाद 51 पॉइंट था आल रायन के पास। एक पॉइंट के चलते वो टॉप पोजीशन पर नहीं जा पाया, चैंपियन नहीं बना 2019-20 सीज़न में। और इस सीज़न की अगर बात किया जाए तो इस सीज़न में उनका जो पुराना हेड कोच था डियोगो, उनके अंडर मिड साइड पर ही पड़ा हुआ था पॉइंट टेबल में, लेकिन वो पूरी तरीके से इस टीम को अब रीबिल्ड कर लिया है। उनके पास नया हेड कोच लॉरेन ब्लैंक मौजूद है, जिन्होंने भाई बहुत ही शानदार काम किया है इस टीम में आते ही। जो टीम पॉइंट टेबल के मिडिल पर था वो सीज़न ख़त्म होने तक थर्ड पोजीशन पर चला गया है।
तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एनर्जी हमें दिख रहा है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब है इस टीम के ऊपर। और मुझे लग रहा है कि एफसी गोवा एक बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर देने वाला है, क्योंकि इनके पास बहुत ही बड़ा बड़ा खिलाड़ी मौजूद है, साथ साथ एक बहुत एक्सपीरियंस हेड कोच मौजूद है जिन्होंने लीगा वन में बहुत ही अच्छा अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है, साथ साथ फ्रेंड्स के नेशनल टीम को भी मैनेज किया है, जो बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो एफसी गोवा के ऊपर आल रायन बहुत ही ज़्यादा भारी है, लेकिन जो उनका हेड कोच है भाई ब्लैंक, उन्होंने कहा है कि एफसी गोवा इज द लोकल टीम दैट होस्ट दिस ग्रुप, इट विल बी ए डिफिकल्ट मैच बट वी कैन प्ले अगेंस्ट एनी टीम, आई वॉच द गोवा टीम वाई वीडियो, दे आर वेरी गुड टीम। तो उतना ज़्यादा लाइटली भी भाई नहीं ले रहा है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है ब्लैंक। तो एफसी गोवा को भी भाई इस मैच पे बहुत ही दमदार सीरियस तरीके से खेलना पड़ेगा, वन फर्नांडो को भी भाई अच्छी तरीके से मैन मेकिंग डिसीजन लेना पड़ेगा। तो बहुत ही बड़ा मैच है एफसी गोवा के लिए, इस मैच के बारे में मैं ज़्यादा कुछ आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन करके बता नहीं सकता हूँ, जितना हो सका मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। एफसी गोवा के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ मैच है, अगर एफसी गोवा ड्रॉ भी कर लेता है इस मैच को तो एफसी गोवा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आगे आने वाले दिनों में। तो भाई देखिए, अब हम टोटली बात कर चुके हैं दोनों टीमों के बारे में, नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूँ एफसी गोवा का प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11, क्योंकि भाई आल रायन को उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से मैंने फॉलो नहीं किया है, तो किस तरीके का प्लेइंग 11 वो सेट करेगा मुझे उतना अच्छी तरीके से पता नहीं है, इसीलिए मैं एफसी गोवा का ही प्लेइंग 11 आपको प्रिडिक्ट करके बता रहा हूँ। तो एफसी गोवा का बेस्ट प्लेइंग 11 इस मैच के लिए हो सकता है भाई गोलकीपर में धीराज सिंह, उसके बाद डिफेंसिव लाइन पर सेटन फर्नांडेज, रोनाची गोंजालेज, और अगर मिडफील्ड की बात करें तो यहाँ पर भाई सेविर भी आ सकता है, ग्लेन है, बिदियर हैगा, रोमारिया जेसुराज, ब्रांडन फर्नांडेज का भाई कमबैक हो सकता है इस मैच पे, क्योंकि इंजरी के चलते वो आईएसएल के लास्ट कुछ मैच नहीं खेल पाया था, लेकिन वो कमबैक कर लिया है, साथ साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड कर लिया है एफसी गोवा के साथ, और उसके बाद फॉरवर्ड में ऑर्टिज और पंडिता काम करने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस तरह का ही प्लेइंग 11 रहेगा एफसी गोवा का इस मैच के लिए। आप लोग भी क्या सोच रखते हो प्लेइंग 11 के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और विनिंग चांसेस क्या मैं प्रिडिक्ट करूँ, विनिंग चांसेस तो भाई ज़्यादा आल रायन का ही है, लेकिन एफसी गोवा अगर इस मैच को जीत लेता है तो भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा मिरेकल हो जाएगा हम सभी के लिए। और हम लोग एफसी गोवा को बेस्ट विशेस भेजते हैं कि इंडिया को प्राउड फील कराए अपने परफॉर्मेंस के द्वारा। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बेस्ट विशेस भेजिए एफसी गोवा को। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले, और अपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूँ।